शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराष्ट्र में कोरोना नामक संकट आ गया है। इस संकट में नए से बनी महाविकास आघाड़ी की सरकार इस संकट का सामना कर रही है, मगर आघाड़ी के सामने कोरोना के साथ और एक संकट खड़ा हुआ है, वो है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू करने की मांग। भाजपा सांसद नारायण राणे इन्होंने कल राज्यपाल से मिलकर ये मांग की है। इस मुलाकात के पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार इन्होंने भी राज्यपाल से मुलाकात की। इसके बाद कल देर रात मुंबई में मुख्यमंत्री और शरद पवार और संजय राउत में बैठक हुई। इस बैठक में सुबह से इस बात की चर्चा हो रही थी। मामले हमारी टीम ने प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल से बात की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार काम नहीं कर रही तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। राष्ट्रपती राजवट कुठल्या परिस्थितीमध्ये लागू केली जाऊ शकते या संदर्भातले उदाहरणं स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये वेळोवेळी निश्चित झालेले आहेत। अशी कुठलीही स्थिती नाही की जेणेकरून राष्ट्रपती राजवट लागू होईल। कोरोना संक्रमणाच्या स्थितीच्या संदर्भात जर आपण हवाला घेतला तर अनेक महाराष्ट्रामध्ये बरी स्थिती नियंत्रणामध्ये आहे आणि मात्र ही स्थिती नियंत्रणात का नाही या संदर्भातले अनेक कारण असू शकतात। त्याचा आपण जर आपण राज्य सरकारला जर जबाबदार धरू शकू तर मला असं वाटतं की केंद्र सरकारही तेवढ्या जबाबदार आहे। ज्यावेळी माननीय राहुल गांधी संसदेमध्ये आणि संसदेच्या बाहेर सांगत होते की कोरोना महामारीमुळे डिझास्टर निर्माण होईल आणि हे डिझास्टर आपण आत्ताच सांभाळलं पाहिजे, आपण आंतरराष्ट्रीय विमान बंद झाले पाहिजे कारण आंतरराष्ट्रीय विमानाच्या मार्गातूनच ह्या देशामध्ये कोरोना आले। मात्र वेळीच प्रतिबंध लावण्यामध्ये केंद्र शासन जर अपयशी ठरलं असेल तर केंद्र शासन बरखास्त करायचं का हा आमचा प्रश्न आहे।